अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MNS उर्दू। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन को कंप्यूटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने यूट्यूब चैनल पे जो है उसमें किस तरह से अपने कंप्यूटर की सेटिंग कर सकते हैं, यानी कि आपका जो कंप्यूटर है या सॉरी आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो काम करेगा कंप्यूटर के ज़रिए जैसे कंप्यूटर काम करता है। उसमें सारी सेटिंग विंडो 10 यूज़ कर सकते हो, विंडो 7 यूज़ कर सकते हो, सारी शेप जो है वो कंप्यूटर वाली होगी। तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल MNS उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का अपडेट जो है वो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने जाना है प्ले स्टोर के अंदर। जैसे ही आप प्ले स्टोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें कंप्यूटर लॉन्चर आपने लिखना है। जैसे ही आप कंप्यूटर लॉन्चर लिखेंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर लॉन्चर की जो पहली एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल शुदा है, यहाँ से इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ आप किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग जो है वो विंडो 10 या जितनी भी विंडोज़ हैं उस शेप में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये जो है वो ओपन हो चुकी है और यहाँ से मैं इसको सेटिंग इसकी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें हमारे पास ये विंडो है, यहाँ से दिस PC हमारे पास मौजूद है। तो दिस PC पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे अपने नेटवर्क डिवाइस वगैरह का जो एक्सेस नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनका अपने यहाँ पे नाम वगैरह लिख देना है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास, तो आप इसकी सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास C है और ये D है। यहाँ से मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या है चीज़ें मौजूद हैं। ये मेरे पास मेमोरी कार्ड है और इसमें चूंकि दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर वगैरह है इसके अंदर, दूसरा ये है हमारे पास लोकल डिस्क D है। तो इसमें ये मेरे पास मेमोरी कार्ड है, यानी कि मेरे पास जो इसकी अपनी मेमोरी के अलावा, फ़ोन की मेमोरी के अलावा जो मेमोरी कार्ड है उसका डेटा यहाँ पे मौजूद है। तो आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे देखें आपके पास एक पॉपअप विंडो भी ओपन हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे विंडो पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखें मेरे पास जो एप्लीकेशंस हैं वो भी यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखें हमारे पास चैट वगैरह का भी ऑप्शन है। तो इस तरह से आप यहाँ से कॉल भी कर सकते हो और कॉल करने के बाद जो है आपने यहाँ पे आप मुख्तलिफ इसकी जो नंबर्स वगैरह हैं, फ़ोन नंबर वगैरह वो भी आप कंप्यूटर स्क्रीन से भी हासिल कर सकते हो। तो इसके बाद चैट वगैरह करनी हो या अपने यहाँ से हॉटस्पॉट ऑन करना हो या सेटिंग वगैरह बैकग्राउंड वगैरह, ये आप सारी सेटिंग कंप्यूटर की तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपने आपको जो है बहुत ही खूबसूरत ऐप आपको बताई है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लें अगर आप कंप्यूटर यूज़ करना चाहते हैं। तो आप इस तरह इसकी जो ये ऐप डाउनलोड करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर की तरह आपका फ़ोन भी काम करेगा। तो अगर आप इसके अलावा यहाँ से इसको रोटेट करते हो, स्क्रीन रोटेट करते हो और इस तरह से आप कर देते हो तो ये आपका ये शेप हो जाएगी, यानी आपका जो फ़ोन है वो रोटेशन में आ जाएगा। और ये चीज़ आप देख लें, आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं लैंडस्केप के अंदर भी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।